मेरा। हम आज राठ में खड़े हुए हैं और इस सृजन एक सोच की तरफ से ये मोबाइल एम्बुलेंस है जो क्षेत्र भर में जाएगी, जाकर जो असहाय हैं, गरीब हैं और जो भी वंचित लोग हैं उनका जाके इलाज करेगी। तो हमारे साथ सृजन एक सोच के फाउंडर प्रभात जी हैं और हमारे साथ मैम हैं, क्विक हील फाउंडेशन की हेड हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मोबाइल एम्बुलेंस चलाने का उद्देश्य क्या है इनका और राठी क्षेत्र क्यों चुना है। तो सबसे पहले मैम से बात करते हैं हम। तो हम लोग क्विक हील की जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा, और स्वास्थ्य में आज तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जगहों पे मोबाइल क्लिनिक दिए हुए हैं जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवा बहुत नहीं के बराबर है। तो जब हम सृजन इनके साथ तो बहुत कुछ काम कर चुके हैं पहले भी शिक्षा के माध्यम से, तो इस बार हमको पता चला कि बुंदेलखंड में भी यही हालात हैं, तो हमने सोचा कि इस ज्योग्राफी में या इस एरिया के लिए भी हम ये उपलब्धि कराएं जिससे स्वास्थ्य और दवाइयों की उपलब्धि हो जाए लोगों को। और यहाँ बहुत सारे गांव है जो अभी तक कुछ है ही नहीं वहाँ स्वास्थ्य के लिए, तो ये एक माध्यम रहेगा जहाँ सब उपलब्धियाँ मिल जाएंगी। बिल्कुल, ये मोबाइल में हम क्या क्या प्रोवाइड कराएगी? ये आपको बेसिक छोटे मोटे प्रोसीजर्स हो सकते हैं जहाँ पर छोटी मोटी मिस प्रॉब्लम्स है जो क्लियर हो सकते हैं। हेल्थ केयर फिजिशियंस जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी दवाइयाँ मिल जाएंगे और उनकी जो डे टू डे इलाज होती है जो छोटे मोटे वो मेंसेस हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेडीज़ प्रॉब्लम हो, वो सारा कुछ यहाँ पे उनकी इलाज होगा। बिल्कुल, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोबाइल वैन है ये लोगों को अवेयर भी करेगी और जो बेसिक नेसेसरी इक्विपमेंट है और मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराएगी। तो मेरे साथ सृजन एक सोच के फाउंडर, तो क्षेत्र भर इनकी प्रशंसा करता है इनके कामों को लेकर, और सृजन एक सोच है वो एक पर्याय बन चुका है लोगों की निस्वार्थ रूप से मदद करने को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी सृजन जो संस्था है उसको शुभकामनाएं। अब मैं चाहूँगा, आपने जैसे मोबाइल वैन जो है लॉन्च कर दी है, तो आपके शब्दों में मोबाइल वैन क्या क्या करेगी और फिर सृजन का एक जो है प्लानिंग आगे की क्या क्या है, फ्यूचर में सृजन के माध्यम से क्या क्या देखेंगे हम? धन्यवाद राघवेंद्र जी। तो सृजन क्या है, सृजन के जो तीन वर्टिकल हैं, एक शिक्षा है, एक स्वास्थ्य है, एक कौशल विकास है। तो हमारा जो वर्टिकल है, हम ये बोलते हैं जब शिक्षा से हम स्टूडेंट को टेक केयर करते हैं, स्वास्थ्य में स्टूडेंट, यूथ, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाओं, सबको करते हैं, और स्किल में यूथ को करते हैं। तो हम अभी तीनों वर्गों से कनेक्ट हो रहे हैं इन तीन वर्टिकल से। तो उसका कारण एक है कि वो हमारे सारे लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। तो जो हमारा स्वास्थ्य वाला जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें हमारे तीन वर्टिकल हैं। एक वर्टिकल है टेली हेल्थ केयर कंसल्टेशन, कि हमारा एक सेंटर है जहाँ पे हम ऑनलाइन डॉक्टर्स से पेशेंट्स को दिखाते हैं। दूसरा अभी तक हमारा था, हम गाँव में हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज़ कराते थे, फ्री मेडिसिन बांटते थे। तीसरा आया है ये मोबाइल वैन आरोग्यान। तो ये हमारे जो दो इनिशिएटिव था उनका सुपरलेटिव है, मतलब इस मोबाइल वैन से आरोग्यान से हम टेली हेल्थ केयर कंसल्टेशन करेंगे, फिजिकल कंसल्टेशन करेंगे, हम अवेयरनेस वीडियो भी चलाएंगे और गाँव के हर उस वर्ग तक पहुँचेंगे जो कि चलकर हमारे पास नहीं आ पाता है। तो ये हॉस्पिटल को अब हम एक एक घर पे रोकेंगे और घर की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक ही मिशन है कि जब तक सांसें चल रही हैं और जो स्वस्थ भारत का हमारा इनिशिएटिव है, हम उसको लास्ट मुकाम तक लेके जाएंगे। हम अपने बुंदेलखंड के हर एक कोने कोने तक इस तरह की मोबाइल वैन चलाना चाहते हैं और अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ताकि जो बीमारी बड़ी बन सकती है उसको पहले ही हम पकड़ के निचोड़ के खत्म कर दें। तो अब जो प्यासा है वो कुएं के पास नहीं जाएगा, कुआ खुद चलकर प्यासे के पास जाएगा। हालांकि इनके काम व्यापक है, अभी कोविड के जो दौरान दौर चल रहा था, तो कोविड के दौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है सृजन सप्लाई कर चुका है, जो जिन लोगों को मदद थी उन लोगों को मदद इन लोगों ने की है ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड करके। तो काम का दायरा बहुत बड़ा है। कभी इन सर बैठ कर विस्तृत सृजन के बारे में इनके द्वारा किए गए कामों पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ मैम थी, क्विक हील फाउंडेशन की हेड हैं। मैं चाहूँगा मैम आप अपना नाम बता, कहाँ से हैं और क्विक हील क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैं अनुपमा काटकर हूँ और क्विक हील फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। क्विक हील फाउंडेशन क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की एक अंग है जो लोक सेवा करती है, और क्विक हील टेक्नोलॉजीज जो पूना में वो कंपनी पूना की है महाराष्ट्र से, और वो है साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो
जो जैसे डॉक्टर दवाई दे के पेशेंट की ठीक करती है, वैसे हम लोग क्विक हील कंप्यूटर को ठीक करते हैं, तो वही सेवा करते हैं पर अलग तरीके से, तो वही काम है हमारा वहाँ। बिल्कुल, तो कंप्यूटर भी सही कर रहे हैं एंटीवायरस दे के और यहाँ भी लोगों को भी सही करेंगे। मैम, हम लोग और पूरे बुंदेलखंड के लोगों को आपके फाउंडेशन से आशा है कि आप ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड में फंड देते रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे, तो हम क्या सोचें और आप और कौन से क्षेत्र में कदम रखेंगी और यहाँ के लोगों की कौन से क्षेत्र में और मदद करना चाहेंगे? अभी तो शुरुआत है, देखते हैं और कहाँ कहाँ कर पाएंगे हम लोग, जरूर करेंगे। बिल्कुल, तो आप भी नज़र बनाए रखिएगा, देखिएगा कि मोबाइल वैन जो है क्या क्या करती है, आपके दरवाजे पर पहुँचती है नहीं पहुँचती है, और यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा अगर किसी को ज़रूरत है। जी जी, तो इसमें एक हेल्पलाइन नंबर होगा जो कि आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो वो अवेलेबल होगा सृजन के ऑफिस में, और वहाँ से भी दवाइयाँ मिल सकती हैं। अगर वैन नहीं है, वैन इमरजेंसी में भी जा सकती है, केस टू केस डिपेंड करेगा। अच्छा, लोग ऑफिस सर्जन के ऑफिस में आके भी मेडिसिन ले सकते हैं? ऑफिस में आके दिखा सकते हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। हमारा काम यह है कि जब भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी में बैठ के करें। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, हमारे साथ दो हस्तियाँ थी जो लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। ये क्विक हील फाउंडेशन की सर्जन एक सोच की एम्बुलेंस है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, आपको दिखाने वाले हैं इस एम्बुलेंस में क्या है। और हमारे साथ अजय सिरके जी हैं जो क्विक हील के प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो उनसे हम जानते हैं इस एम्बुलेंस के डिज़ाइन के बारे में, इस एम्बुलेंस के बारे में। तो सर, पहले बात करते हैं एम्बुलेंस की, क्योंकि हम इसमें दाखिल हो चुके हैं और हमें दिख रहा है यहाँ बास बेसिन दिख रहा है, तमाम चीज़ें दिख रही हैं, तो आप हमें इस एम्बुलेंस के बारे में बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि गाँव में ज़्यादा करके दवाखाने नहीं होते, तो ये हमारा जो है ये एम्बुलेंस नहीं है, ये मोबाइल क्लिनिक है, चलता फिरता दवाखाना है। तो ये चलता फिरता दवाखाना एग्जैक्टली क्या है? तो ये औरतों को, छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा डिज़ाइन किया गया है कि औरतें नॉर्मली क्या होता है कि ओपन में अपने आप को खुद से डॉक्टर से एग्जामिन नहीं करवाती, तो इसलिए हमने क्या किया है कि ये अंदर जो है एग्जामिनेशन टेबल दे दिया कि जिसपे आराम से कोई भी मरीज आके लेट सकता है और दरवाजा बंद करके उनकी एग्जामिनेशन हो सकती है। ओके, उसके बावजूद बाद में क्या होता है कि छोटे टाइप का ड्रेसिंग हो, किसको अगर जख्म मरम पट्टी करवानी हो और जो छोटे टाके भी लगवाने हो, तो उसके लिए क्या लगता है, एक तो मेडिसिन भी लगता है और दूसरा पानी लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि छोटे छोटे चीज़ें के लिए लोगों को 20-30 किलोमीटर जाने न लगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर रखा है यहाँ पे। वो भी मैं चाहूँगा आप जाके दिखाएं, तब तक सर से हमारी बात होती है। हाँ सर, हाँ, एक रेफ्रिजरेटर है, यहाँ रेफ्रिजरेटर है, तो आपका भी कोविड वैक्सीन के लिए एक टेम्परेचर सूटेबल होना जरूरी होता है या कोई भी, तो ये अभी ये रेफ्रिजरेटर उसकी ध्यान रखेगा, मतलब कोई भी वैक्सीनेशन, कोई भी प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो उसके ओरिजिनल टेम्परेचर में यहाँ पे मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हो सकेगा, तो एग्जामिनेशन की वजह से क्या होगा कि बाहर किसको जाने की जरूरत नहीं, जो भी है पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। तीसरा, आप देखेंगे इसमें ये वॉश बेसिन है, बोले तो पूरा हाइजीन मेंटेन हो सकता है, किसका अगर मरम पट्टी की है, धोना वगैरह वो सब इधर हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टेबल है, तो यहाँ पे डॉक्टर आप यहाँ पे डॉक्टर बैठेगा, मरीजों के साथ बात करेगा और जो भी है प्रिस्क्रिप्शन पर्ची लिख के देगा। और यहाँ पे आप पूरे देख रहे हो, यहाँ पे सब क्या कहते हैं कि अलमारी, कबर्ड्स बड़े हुए हैं, अलमारी कह सकते हैं, जिसपे हमने बहुत सारे मेडिसिंस ये करवा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें स्टोरिंग ज़्यादा दिया हुआ है। हाँ, नीचे भी देखेंगे, ये भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है। और बाद में ये ऑक्सीजन सिलेंडर का कनेक्शन है। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी बंदा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, तो इस पे अगर सिलेंडर आप कनेक्ट करवा दोगे तो उसको ऑक्सीजन मिल सकेगा, जो अभी ये चीज़ें कहाँ भी नहीं है, तो ये सुविधा हम लोगों ने कर दिए। अभी ये गाड़ी कहाँ पे जाएगी, गांव में जाएगी, गांव पे जहाँ पे छाव नहीं रहते, तो यहाँ पे बाहर हमने कैनोपी लगवा दिया। अच्छा, तो ये कैनोपी क्या है कि आगे बड़ा एक पर्दा सा है, आप उसको खोलोगे तो 10 फीट का बड़ा हो जाता है, तो उसमें कम से कम है ना 15-20 लोग छाव में खड़े रह सकते हैं, तो जहाँ भी टेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जरूरत नहीं, तो ये पूरी चीजें हैं। इसको एम्बुलेंस करके भी अगर कोई मरीज ज्यादा इमरजेंसी के इसमें आ जाता है, तो उसको एम्बुलेंस करके यहाँ पे लेटा के हॉस्पिटल में भी लेके जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हो सकता है, मिनी लेवल का ऑपरेशन भी अगर डॉक्टर चाहे तो यहाँ पे हो सकता है। तो ये ऐसी गाड़ी है कि गांव में जो भी प्राइमरी लेवल का जो भी मेडिकल सर्विसेज लगेगा ये गाड़ी दे देगी। सर, इसमें क्या क्या बेसिक जो चीज़ें हैं क्या क्या रहेंगी, अगर जो लोग देखें अगर, तो उसमें क्या मान सकते हैं, किस किस चीज़ का इलाज यहाँ पर हो सकता है?
किस चीज का बोले तो प्राइमरी जो ये होता है कि बाबा आप गए आपको क्या तकलीफ है, तो ये जो कहते हैं ना कि मॉनिटरिंग, जब आप पहली बार आए तो वो सब चीजें हो सकती है। दूसरा छोटे टाइप का ड्रेसिंग हो सकता है, तीसरे टाइप का मिनी ऑपरेशन भी आप कह सकते हो, तो वो यहाँ पे हो सकता है। तो ये तीन चीजें आप आराम से हो सकते हो। और चौथा ट्रांसपोर्ट, कि आप मरीज को यहाँ से लेकर हॉस्पिटल जाते हो, तो ये चार चीजें यहाँ पे आराम से हो सकती है। तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, मरीज कैसे टाइप के मरीज है वो हिसाब से यहाँ पे इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ अजय जी थे, अजय सर थे, प्रोग्राम मैनेजर है, हमारे साथ हैरी मिश्रा जी हैं जो इस एम्बुलेंस में बैठे हैं, एम्बुलेंस में बैठ के मजे ले रहे हैं। तो सृजन के एक सदस्य भी है, मेंबर भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी सृजन कुछ कर रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे सृजन अभी क्या क्या कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र? शिक्षा के क्षेत्र में अभी सृजन का, जैसे कि आपने पिछले लॉकडाउन में देखा होगा कि शिक्षा की गाड़ी चला रहे थे हम लोग, फिर अभी स्कूल खुलने के बाद शिक्षा की गाड़ी की जगह हम लोगों ने मोहल्ला एजुकेशन स्टार्ट कर दिया है, तकरीबन जो इस समय 11 गाँवों में चल रहा है। तो उसमें होता है क्या है कि हमारे वॉलंटियर जाते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो उनको प्रशिक्षित किया जाता है सृजन के द्वारा ही, वो जाते हैं गाँव में और बच्चों को बिठाते हैं, उनको पढ़ाते हैं आफ्टर द स्कूल टाइमिंग, ठीक है। और इसका हम लोग कोई कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई गरीब या अमीर या किसी भी, कोई लेवल नहीं है, कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं है। मतलब कि अच्छे लोग भी अगर आना चाहें, एज अ रिविज़न करना है उनको तो वो भी आइए, तो सबको हम लोग पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें बेसिक छोटे बच्चों से लेकर हम लोग 8, 9, 10 तक के बच्चों को आराम से। और अभी नया अप्रोच है मोबाइल वैन का कि लोग शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सके। हालांकि हमारा एक हेल्थ सेंटर ऑलरेडी चल रहा है अमोल में, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, तो वहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं हैं। पर ये इसका जो मिलना हुआ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये मोबाइल एम्बुलेंस है, क्विक हील ने प्रोवाइड की है हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे राठ के लिए। तो कुछ ना कुछ बदलाव हमारे बुंदेलखंड में आना शुरू हो गया है। देखते हैं मोबाइल एम्बुलेंस कितने लोगों को, जो मोबाइल एम्बुलेंस है कितने लोगों को मदद दे पाती है और हमारे क्षेत्र में कितना बदलाव, कितनी बेहतरी ला सकती है। तो आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।